हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हम एकदम नेचुरल तरीके से भगवान जी की पीतल की मूर्ति को कैसे चमका सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे मंदिर में जितने भी भगवान जी हैं, घंटी है, आप पीतल के बर्तन भी इसी में भिगो सकते हैं। मैंने इन्हें इमली के पानी में भिगोया है। तो ये बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, बस थोड़ी सी इमली ली है, किसी भी फॉर्म में इमली हो, पेड़ से टूटी हुई या जो मार्केट में मिलती है, मॉल्स में मिलती है, वैसी इमली ले लीजिए और उसे थोड़ी देर आप 20 मिनट के लिए वार्म वाटर यानी थोड़े गुनगुने पानी में भिगो दीजिए। उससे क्या होगा, वो इमली एकदम पल्पी हो जाएगी और उसमें आप जितने भगवान जी भिगोने हो उनके लेवल का पानी डाल दीजिए। और इसे मैंने 4 से 5 घंटे ऐसे ही रखा है। और ये देखिए, फिर आप मलेंगे तो ईजीली ये जो हमारा जितना भी जो भी हमारे इसके ऊपर पीतल के बर्तन पे जितना भी रस्ट जमा हुआ था वो सब हट जाएगा। ये जो घंटी है ये पूरे 14-15 साल पुरानी है और वो भी इससे ईजीली साफ हो जाती है बार बार। तो ये देखिए, हम भगवान जी को जो उसमें अंदर इमली होगी उससे अच्छे से मलेंगे, साफ करेंगे। ये एकदम 100% एकदम नेचुरल तरीका है और इससे आपके भगवान जी एकदम अच्छे से चमक जाएंगे। अब हम एक एक करके सबको बाहर निकाल लेंगे उसमें से मल मल के अच्छे से। आप चाहें तो एक न्यू टूथब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम भगवान जी को पानी में भिगो लेंगे अच्छे से। जो इमली है ना वो जगह जगह, जैसे अब सरस्वती माता का कमल है वीणा के बीच में, तो वो अटक गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टूथब्रश की एक न्यू टूथब्रश ले लीजिए और वो भगवान के काम के लिए रखिए। जैसे हमने एक न्यू टूथब्रश ले रखा है, एक टूथब्रश ले रखा है, उससे हम भगवान की मूर्तियाँ ही साफ करते हैं। तो ये देखिए, आप पीछे से देख सकते हैं कितने इजीली मैल जो मतलब जो रस्टिंग जमा हो गई है, जो पीतल के बर्तन काले पड़ जाते हैं, वो कितनी आसानी से साफ हो रहे हैं। तो ये देखिए, अभी हम क्या करेंगे, मैं एक न्यू टूथब्रश ले रही हूँ और मैं ले रही हूँ नींबू और नमक। तो नींबू और नमक हम भगवान के चेहरे पे तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बट जितना भी आसपास का जितना भी जगह है उस जगहों पर हम नींबू और नमक लगाएंगे। तो ये देखिए, नींबू और नमक के रिएक्शन से ये सब जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये सब एसिडिक होती हैं। जैसे लेमन है उसमें साइट्रिक एसिड है, वो जो इमली है उसमें भी एसिड होता है। तो इनसे जो हमारे ये हैं भगवान जी, ये बहुत अच्छे साफ होते हैं। और नींबू और नमक, नींबू एक बेस है और नमक एक ये क्या बोलते हैं, नींबू एक एसिड है और नमक एक बेस है। तो उससे हमारे भगवान जी बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि लक्ष्मी माता को मैंने अभी साफ नहीं किया है तो वो कितनी मतलब पीतल कितना काला पड़ चुका है, पर बाकी भगवान जी कितने गोरे और कितने साफ हो चुके हैं। पीतल कितने अच्छे से पूरा चमक रहा है, इससे आपकी मूर्ति में चमक भी आएगी और मूर्ति बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो आप इस मेथड से अपने दिवाली के लिए लक्ष्मी गणेश जी सरस्वती माता को चमका सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल के लिए चमका सकते हैं। और इसी के साथ साथ भगवान पीतल की मूर्ति को चमकाने का एक और वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाल रखा है, उसमें मैंने आपको लड्डू गोपाल को साफ करके दिखाया था। बट आप उसी तरीके से और भगवानों को भी साफ कर सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे एक घंटी है और कोई तांबे का जैसे लोटा है, चम्मच कटोरी है, तो उस पर आप पीताम्बरी भी लगा सकते हैं। ये घंटी को मैंने पीताम्बरी से साफ किया है, पर भगवान जी पे हम पीताम्बरी नहीं लगाते हैं। तो अगर आप चाहें तो बर्तनों पे लगा सकते हैं, पर भगवान जी को हमें नेचुरल चीज़ों से ही साफ करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।